welcome back to my channel keso up hope you're doing great and also welcome to the थर्ड लुक ऑफ दिस दशहरा पूजा सो आई होप की आपको ये लुक पसंद आएगा अगर पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिया है नाइट्रोटिजना का हाइड्रोबूस कैप्सूल सिरम जो कि है फेस सिरम और इट कंटेन्स हाइड्रोटोनिक एसिड एंड नियासियामाइड एंड विटामिन ई तो ये काफ़ी अच्छा है आपके स्किन को हाइड्रेट करेगा तो इसको थोड़ा सा लेकर के अपने फेस पे अच्छे से लगा लेना है एंड या नेक पे भी लगाना है देन मैंने यहाँ पे वेदी हर्ब्स ऑरेंज लिप बाम लिया है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए देन मैंने यहाँ पे डॉटन की का मॉइस्चराइज़र लिया है और उसको अपने पूरे फेस पे मसाज कर लेंगे और आजकल मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ काफ़ी समय से और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है तो या मैं इसको अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेटन वाइल का इल्यूमिनेटिंग प्राइमर और ये क्योंकि इल्यूमिनेटिंग प्राइमर है तो ये आपको एक अलग ही ग्लो प्रोवाइड करता है और ये नाइट के लिए काफ़ी सही है रहेगा इसीलिए मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ देन मैंने यहाँ पे लिया है लैकमे का नाइन टू फाइव फाउंडेशन और इसको स्पॉन्ज के थ्रू ही मैं इसको डॉट डॉट करके पूरे फेस पे अप्लाई कर ले रही हूँ और नेक पे भी अप्लाई कर ले रही हूँ और ये जो फाउंडेशन है यह ये, ये जो है शेयर कवरेज देता है मतलब आपको स्किन लाइक कवरेज देता है और बहुत ही लाइट वेटेड है आपके फेस के लिए फ़ॉर कंसीलर टुडे आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड आप लोग जानते हो गए जो मेरे को वो पहले से फॉलो कर रहे हैं कि ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल साइड में है ये ये अंडर 150 के अप्रोक्स आप लोग को बहुत ईजली प्रोवाइड हो जाएगा मिल जाएगा और टीन के लिए भी बहुत सही है बहुत पॉकेट फ्रेंडली है ये एंड इसको मैं अपने अंडर आइज डार्क एरियाज में जहाँ भी मेरे को ज़रूरत है अपने उन सारे एरिया में लगाऊँगी नेक्स्ट में मैंने यहाँ पे एटूड हाउस का वाटर टेंट लिया है और इसको मैं अपने चीक्स पे एज अ ब्लश अप्लाई कर रही हूँ बट जेनविनली ये मेरे को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि जब मैं इसको लगा रही थी तो फिर ये बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा था और ये कुछ ऐसा दिख भी नहीं रहा था पता नहीं कि मैंने कुछ लगाया भी है कि नहीं लगाया ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा इसीलिए मैंने इसके ऊपर से मैंने दोबारा नेबलिन uh, का स्टिक ब्लश लिया है और उसको मैं अप्लाई कर ले रही हूँ और और ये काफ़ी अच्छा ब्लश है बट इसको हमेशा पाउडर से पहले अप्लाई करो क्योंकि अगर आप पाउडर आप अप्लाई आप कर लोगे तो ये सही से ब्लेंड नहीं होगा ये स्टिक हो जाएगा उस पर जा करके तो हमेशा इसको पहले लगाया करो देन मैं यहाँ पे ले रही हूँ काउंटोर करने के लिए शुगर का काउंटोर स्टिक और उससे मैं अपने फेस को एक सही डायमेंशन दूँगी एंड उसको भी मैं यहाँ पे वॉट वेट स्पॉन्स से ही इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ और जो भी प्रोडक्ट अभी मैंने लगाया है उनको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे आ, स्विस ब्यूटी का लूज़ कॉम्पैक्ट ले रही हूँ जो कि वाइट कॉम्पैक्ट है और ये मेरे को उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया इसको मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ ऑल दो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है बट स्टिल ये मतलब उतना ज़्यादा सही मेरे लिए नहीं था सही वर्क नहीं करा नेक्स्ट मैंने आईब्रो के लिए यहाँ पे स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल लाइनर लिया है और ये टू इन वन पैकेज है इसमें और इसी से मैं अपने आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ एंड सेम प्रोडक्ट में से मैं यहाँ पे जेल लाइनर ली हूँ और उसको मैं अपने पूरे क्रीज़ लाइन एरिया तक इसको अप्लाई कर लेंगे बहुत ज़्यादा नीट होने की ज़रूरत नहीं है आई मेकअप के लिए क्योंकि इसके ऊपर ऐसे भी अभी आ, मतलब ब्राउन स्मोकी आई क्रिएट करना है तो या तो इसके लिए मैं यहाँ पर ब्राउन शेड लेकर के मैं इसको यहाँ पे अच्छे तरीके से फ्लफी ब्लेंड ब्लेंडिंग ब्रश के थ्रू जो है ब्लेंड कर लेंगे और साथ ही साथ लोअर लैश लाइन पे भी ब्लैक एंड ब्राउन से अप्लाई uh, करेंगे और यहाँ पे मैंने पैक का आई पैलेट यूज़ किया था एंड नेक्स्ट मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ही यहाँ पे ये ग्लिटर आई शेडो अप्लाई करी हूँ जो कि सिल्वर शेड में है और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है मतलब एकदम हाईली रिकमेंडेड प्रोडक्ट है ये इतना ज़्यादा मतलब मेरे को ये अच्छा लगा नेक्स्ट मैं यहाँ पे आई मेकअप होने के बाद मैं यहाँ पे हाइलाइटर अप्लाई करूँगी और उसके लिए मैंने यहाँ पे मेब्लिन uh, न्यूयॉर्क का मास्टर क्रोम हाइलाइटर लिया है उसको मैं अपने चीक्स बोन एरिया में नोज़ ब्रिज ऑफ द नोज क्यूपिड uh, बोन्स इन सारे एरियाज़ में मैं इसको अप्लाई कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट uh, मैंने लिया है आई के लिए एल एटीन का आई लाइनर विच इज़ वाटर रेसिस्टेंट और इससे मैं अपने आई लाइनर को ड्रॉ कर लूँगी एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन का ही स्काई हाई मस्कारा लिया है जो कि बहुत ही अमेजिंग मस्कारा है थोड़ा सा ये कॉस्टली कह सकते हो अप्रॉक्स फाइव हंड्रेड के रेंज में इसका प्राइस जाता है बट या yeah, ये बहुत ही मतलब बहुत सही मस्कारा uh, है एंड देन मैंने यहाँ पे कलर क्वीन का लिप uh, लाइनर लिया है और इसको मैं इससे मैं अपने लिप को लाइन अप कर लूँगी एंड देन मैंने यहाँ पे एंड लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे कलर बाग का क्रियान लिपस्टिक लिया है और इसका शेड अभी मुझे पता नहीं है जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहाँ पर जाके चेक कर लेना सो या यहाँ पर मेरा मेकअप कंप्लीट होता है एंड या दिस इज़ द कंप्लीट लुक यहाँ पे मैंने ऑक्सीडाइज ज्वेलरी एंड ब्लैक साड़ी पहना है टू कंप्लीट द लुक एंड या सो गाइज़ आई होप कि आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा एंड पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव अ लाइक कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइज़ प्लीज़ सपोर्ट करें एंड इस तरीके वीडियोज़ देखने के लिए सो टिल देन टाटा बाय टेक केयर जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ बाय